खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीमापुरी हिंसा मामले में सुनवाई टल चुकी है। 11 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई टली है। 6 जनवरी को कड़कडूमा कोर्ट में ये सुनवाई होगी। केस को SIT को ट्रांसफर किया गया है। सीमापुरी हिंसा मामले में ये सुनवाई टल चुकी है। 11 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी, जो कि टाल दी गई है। अब 6 जनवरी को कड़कडूमा कोर्ट में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था सीमापुरी इलाके में, और उसके बाद में अचानक से प्रदर्शन हिंसात्मक हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई, उसी को लेकर अब 11 आरोपियों की जमानत पर यह सुनवाई होनी थी, जो कि टाल दी गई है सुनवाई आज। और केस जो है SIT को ट्रांसफर किया गया है। 6 जनवरी को कड़कडूमा कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। विनय सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, क्या कारण जो आज सुनवाई को टाल दिया गया है, 6 जनवरी तक का इंतजार करना होगा? देखिए, क्योंकि जो सीमापुरी में हिंसा हुई थी उसमें कई तथ्य हैं जमानत याचिका पर, इन आरोपियों की सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी जो कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है और अगली जो डेट है वो दे दी है। साथ साथ में बड़ा पहलू ये भी है कि अब जो दिल्ली पुलिस ने ये जो मामला है SIT को दे दिया, यानी कि अब SIT इस पूरे मामले में जांच करेगी। और इससे पहले जब ये मामला कड़कडूमा कोर्ट में लगा था तो कोर्ट ने उस समय उस हिंसा में घायल पुलिस वालों की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी थी, और साथ ही साथ पुलिस ने ये भी कहा, क्योंकि सीमापुरी एक ऐसा इलाका है जो दिल्ली और जो गाजियाबाद की सीमा से सटा है, तो पुलिस की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कई ऐसे जो आरोपी हैं वो गाजियाबाद से आकर इस दिल्ली में आकर उन्होंने हिंसा की थी, तो अपने तमाम तरह की यहाँ पे दलीलें दी थी, जिसके बाद जो आरोपियों ने की आज जो जमानत है याचिका उस पर सुनवाई होती थी, लेकिन किसी कारणों से इसको टाल दिया गया है और अगली जो तारीख है वो दे दी गई है। केस को SIT को भी ट्रांसफर किया गया, क्या कारण के केस को SIT को ट्रांसफर कर दिया गया है? देखिए, पूरी जो इस मामले में अभी तक जो जांच है वो दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये मामला SIT को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो इसमें कई पहलू हैं, कई लोग लगातार इस तरह की बातें कर रहे, इस तरह की जो बयानबाजी सामने आ रही थी कि दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कई एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने कई बसों में कई कई इलाकों में हिंसा को बढ़ावा देने की बात की है, और कई हालांकि जो पुलिस है लगातार इस बात को नकारती आ रही है कि दिल्ली पुलिस लगातार हिंसा को रोकने की कोशिश में लगी रही, लेकिन अब क्योंकि मामला भी पूरा SIT को दे दिया गया है, यानी कि अब इसकी जांच और जो भी रिपोर्ट होगी वो SIT तैयार करेगी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।